कोवलेंट बॉन्ड पार्ट टू में आपका स्वागत है। आज हम टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में जान रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड्स तीन तरीके के यूजुअली बताए जाते हैं, सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड्स और पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। सिंपल कोवलेंट बॉन्ड्स के बारे में अगर हम जानें तो पिछले लेक्चर में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों हाइड्रोजन एटम्स की स्टेबिलिटी कम है, ये ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। सबसे बढ़िया तरीका है कि दोनों हाइड्रोजन्स इस तरीके से अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लें, क्योंकि अब दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के पार्ट हैं, इसलिए दोनों ही हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 हो जाएगा, यानी कि ये हीलियम जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा और ये स्टेबल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जहाँ तक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात है, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को कुछ इस तरीके से बताया जा सकता है। एक एग्जांपल देखिए, इस एग्जाम्पल में नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में जो ये बॉन्ड है, इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। हिंदी में इसे उपसंयोजक बंध या दाता बंध भी कहते हैं। इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बहुत ढंग से समझना इसलिए आवश्यक है कि न केवल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पर सारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में आपके आएगी वो बेस्ड है, वो आधारित है, बल्कि सभी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस जिसमें कि आप रिएक्शन मैकेनिज्म स्टडी करेंगे वो भी सब इसी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पर आधारित हैं। तो इसलिए ये आवश्यक है कि आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को बहुत ढंग से समझें। देखिए, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, इसलिए ये 3 हाइड्रोजन्स के साथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हमें मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। इसलिए अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के भी हैं। ठीक इस तरीके से यहाँ पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के और हाइड्रोजन के हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हैं। तो इस तरीके से इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं और सभी हाइड्रोजन्स के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। तो इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर्गन जैसा हो गया है और इन तीनों हाइड्रोजन एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हीलियम जैसा हो गया है। ये अपने आप में एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, लेकिन इस स्टेबल मॉलिक्यूल में अब भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने कोई बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, बंधन में कोई भाग नहीं लिया है। इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को हम बॉन्ड पेयर्स बोलते हैं और इनको हम लोन पेयर्स बोलते हैं। तो अगर हम इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात करें तो दे आर बॉन्ड पेयर्स, जबकि इन इलेक्ट्रॉन्स की हम अगर बात करें तो ये हैं लोन पेयर्स।
तो ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्होंने बंधन में भाग नहीं लिया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। दूसरी तरफ अगर हम बोरॉन की पिक्चर देखें तो बोरॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन तीन इलेक्ट्रॉन्स के साथ डेफिनेटली ये स्टेबल नहीं है, इसलिए ये फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है जो इसको बोरॉन से मिल जाता है। इनफैक्ट मिलता नहीं है, ये शेयर हो रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के हैं, और ये तीन लोन पेयर्स फ्लोरीन के अपने खुद के हैं, तो इस तरीके से टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। बोरॉन के पास वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 3 इलेक्ट्रॉनों का भी ये यूज़ करके बॉन्डिंग में केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स ही जुटा पाता है, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्योंकि इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसलिए इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसलिए ये कम स्टेबल। डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या उपसहसंयोजक बंध में बताया जाता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन को दे दिए जाते हैं, तो अब बोरॉन का भी अष्टक पूरा हो जाता है और यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दान किए, बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन लिए, इसलिए इसको हमने डेटिव बॉन्ड कहा, दाता बंध कहा, और ये बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन इस पिक्चर में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देगा तो नाइट्रोजन के पास अष्टक नहीं रहेगा, नाइट्रोजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इसका ऑक्टेट खत्म हो जाएगा, पहली चीज। दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि जब भी कोई एक परमाणु दूसरे परमाणु को, एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन्स देगा, तो जो देगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्डिंग में यही होता है कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस प्रकार ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कहाँ हुई? अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन ने बोरॉन को दिए हैं, तो ये तो आयनिक बॉन्ड की तरह हो गया, जबकि यह है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, उप सहसंयोजक बंध, यानी सहसंयोजक बंध का एक प्रकार है मगर थोड़ा सा डिफरेंट है सहसंयोजक बंध से, इसलिए इसको कहा हमने उप सहसंयोजक या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। तो यहाँ पर साझा तो हुआ ही नहीं है, अगर साझा नहीं है तो ये किस प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का साझा होना, जैसे कि ये है ये है ये है, इस तरीके से साझा होना जरूरी है, तभी वो कोवेलेंट बॉन्ड की कैटेगरी में कैटेगराइज होगा या आएगा। इस चीज़ को हम दोबारा से देखते हैं कि नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या डेफिनेटली ये 3 हाइड्रोजन से बंधा हुआ है। अब इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन ये बोरॉन को दे देता है, बोरॉन 3 फ्लोरीन से बंधा हुआ है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। जब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होगा, क्योंकि अब नाइट्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और बोरॉन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों ही अपने अपने इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे एक दूसरे के साथ, शेयरिंग करेंगे। जब इस तरीके से होगा तो वस्तुतः नाइट्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और बोरॉन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्योंकि तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन्स की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स थे और बोरॉन के पास फ्लोरीन की वजह से भी इलेक्ट्रॉन्स थे, तो अब बोरॉन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया,
नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा रह गया। यहाँ पर इस पिक्चर में दोनों का साझा भी हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने दिया और एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन ने दिया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन क्योंकि वर्चुअली दोनों इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ही थे, इसलिए ये एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध हुआ, जिसे कहा हमने उप सहसंयोजक बंध। इस पिक्चर को एक तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, जिसमें कि एरो के साथ हमने इस बॉन्ड को दिखा रखा है, और दूसरा तरीका ये है कि हम इस बॉन्ड को इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जो ये शो कर रहा है कि नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दिया है, इसलिए इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर इस पिक्चर को हम मेटल लीगेंड बॉन्डिंग के साथ कंपेयर करें, जिसके बारे में आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, तो हम पाते हैं कि जब भी मेटल और लीगेंड के बीच में इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसमें कि लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है मेटल को, डेफिनेटली ध्यान देने वाली बात है कि एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस केस में लीगेंड के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज और मेटल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि जब भी डेटिव बॉन्ड, उपसहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, तब उसमें जो दाता परमाणु है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और जो लेने वाला परमाणु है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बिल्डअप होता है। तीसरे प्रकार का जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में का एग्जाम्पल भी हमने पिछले लेक्चर में लिया था, इसमें हमने दिखाया था HCl। HCl में डेफिनेटली हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा देता हूँ, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन अपना एक ऑड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयर अप करते हैं या शेयरिंग करते हैं, और इस तरीके से ये बॉन्डिंग हो जाती है, जिसमें कि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और हाइड्रोजन का हीलियम जैसा कॉन्फिगरेशन ऑप्टेन हो जाता है। लेकिन ये पिक्चर इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी बॉन्ड पेयर है, जिसे हमने कहा बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के क्लोज रहता है और हाइड्रोजन से दूर रहता है। इसको मैं इस तरीके से दिखाऊं कि ये बॉन्ड पेयर क्लोरीन के नज़दीक रहेगा और हाइड्रोजन से ये काफ़ी दूर रहेगा। ऐसा इसलिए होता है, हमें मालूम है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है बजाय हाइड्रोजन की। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पाउलिंग स्केल पर अप्रॉक्सीमेटली 3.1, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पाउलिंग स्केल पर 2.4। तो क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है विद्युत ऋणता, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी जो बॉन्ड पेयर है, बंध युग्म है इलेक्ट्रॉन का, वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिंचा हुआ रहता है। जबकि क्लोरीन के ज़्यादा नज़दीक होता है और हाइड्रोजन से दूर होता है, तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इस मॉलिक्यूल में और आयनिक मॉलिक्यूल में डिफरेंस है। यहाँ पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन पर चला गया था, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में होते हैं, मगर क्लोरीन की तरफ ज़्यादा खिसके हुए होते हैं, इसलिए क्लोरीन के ऊपर
आंशिक रूप से ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाता है। इस तरीके के कोवलेंट बॉन्ड्स को हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अगर हम कंपेयर करें सिंपल या होमो एटॉमिक कोवलेंट बॉन्ड्स का पोलर बॉन्ड से, तो पोलर बॉन्ड्स हमेशा ज़्यादा मजबूत होते हैं। कहने का मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड्स हैं, लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड्स में पार्शियल आयनिक करेक्टर आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स प्योर कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 100% कोवलेंट बॉन्ड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, चाहे वो होमो एटॉमिक एटम्स हों या होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हों, दोनों परमाणु एक से हों, उसके बावजूद भी यहाँ पर 100% ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो बॉन्ड पेयर है वो एग्जैक्टली दोनों के ऊपर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होता हो, ऐसा नहीं होता है। या दूसरे शब्दों में कोई भी बंध शुद्ध सहसंयोजक बंध नहीं होता है, कोई भी बंध शुद्ध आयनिक बंध नहीं होता है। अगर उसमें आयनिक करेक्टर ज़्यादा हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो उसे हम आयनिक मॉलिक्यूल या आयनिक बॉन्ड बोल देते हैं, और उसमें अगर कोवलेंट करेक्टर्स ज़्यादा हैं जैसे कि H2 और HCl, तो उसको हम कोवलेंट मॉलिक्यूल बोल देते हैं। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 में भी कुछ आयनिक करेक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये शुद्ध या 100% सहसंयोजक बंध है, लेकिन जितने ज़्यादा आयनिक करेक्टर्स होंगे, तो अगर हम कंपेयर करें हाइड्रोजन और HCl को, तो HCl में आयनिक करेक्टर्स ज़्यादा हैं बजाय हाइड्रोजन के, इसलिए ये ज़्यादा मजबूत बंध है। या दूसरे शब्दों में पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं बजाय प्योर कोवलेंट बॉन्ड्स। थैंक यू।